मैं जा रहा हूँ आगरा दोस्त की शादी के लिए, और ताजमहल भी एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे। कौन सा स्टेशन है? डाउन। ये बीच में छोटे छोटे मस्त एकदम सीन थे, ब्रिज वगैरह। अभी हम निकले डाउन के आगे, और जब ऑफिस से निकला था तो काफ़ी जल्दी में था, शूट करने के लिए टाइम नहीं मिला। और जब आया तो ये अंकल बैठे थे सामने। और कितने बजे निकली सर टाइम? 5:20। मतलब एग्जैक्ट टाइम पे अंकल बोल रहे थे, एकदम फिक्स टाइम पर नहीं आना चाहिए, बियॉन्ड टाइम बट 10-15 मिनट्स बिफोर ऑलवेज। ये है खंडवा जंक्शन और सुबह का टाइम हो रहा है 4:00। अभी ट्रेन में बैठ के हो रहा है लगभग 12 आवर्स। यहाँ पे ये जो कचरा था डस्टबिन में डाल दिया, और मतलब पानी की बॉटल रेगुलर पानी से। मुझे लगा सर्दी वगैरह हो जाएगा बट कुछ नहीं हुआ। मैं मोस्टली रेगुलर वाटर ही प्रेफर करता हूँ। ये बीना स्टेशन पे ट्रेन रुकने के बाद में मैंने यहाँ से फ्रूट्स लिया। पहले दिन तो फूड मतलब घर से कैरी किया था, अभी यहाँ से कुछ खाने के लिए ले लिया। मतलब 24 आवर का जर्नी काफ़ी ज़्यादा है, बट जब हम कुछ प्लान करके आते हैं मोस्टली, सो मैंने जाते समय 2-3 मूवी देखा, 1-2 मूवी देखा, और कुछ ऑफिस का काम भी था, तो इसीलिए काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड हुआ। ये जो है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये मिट्टी का ये जो बना है, राजस्थान में आता है, और ये आई थिंक कहा जाता है एक वाइट मिट्टी है। ये धौलपुर के पहले आता है। उसके बाद में इस साइड में खेती वेती मोस्टली गेहूँ और जो ये रहता है सरसों, इसका होता है। काफ़ी अच्छा है इधर। और फाइनली हम आगरा पहुँच गए ऐसे ऐसे करके। आगरा स्टेशन से मतलब ऑलरेडी दो दोस्त लोग आए थे, तो और अंशुल सर कैसे हो? बाइक पे आने वाला था क्या, ट्रेन से आया? अरे बाइक मिला नहीं इतना जल्दी। स्टेशन के आगे जाने के बाद में मिले, एक अंशुल बैंगलोर से आया था और एक दोस्त इधर से आया था पुणे से। फिर हम तीनों ने यहाँ से ऑटो करके मतलब कुछ 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था होटल का फ्रॉम दिस। यहाँ पे जाने के बाद में दोस्त ने वहाँ पे हमें मतलब नीचे ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया, फिर रूम वगैरह। दोनों के लिए रूम था। मेरे रूम में और एक आने वाला वैभव आने वाला था, सो वो मॉर्निंग में आने वाला था। सो ये रूम था हमारे लिए, काफ़ी अच्छा रूम था, और टीवी जो कि मैं कभी देखता नहीं हूँ। और इसके बाद में कुछ प्रोग्राम हुआ नीचे जाके, प्रोग्राम वगैरह अटेंड किया और थोड़ा जल्दी सो गया क्योंकि थक चुका था काफ़ी ट्रैवल करके, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं।